दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसका नाम है द आर्ट ऑफ सिडक्शन। ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए, आइए जानते हैं। किसी को भी आकर्षित करने में कई चीजें देखी जाती हैं। इसीलिए अगर किसी को अपनी ओर आकर्षित करना हो तो इससे पहले हमें इस कला को समझने की जरूरत है। आकर्षण कोई इत्तेफाक नहीं होता, क्योंकि इसमें हर समय कुछ ना कुछ ऐसी चीजें शामिल होती हैं जिससे आकर्षण सफल हो पाता है। द आर्ट ऑफ सिडक्शन में रॉबर्ट ग्रीन ने यह बताया है कि किसी को आकर्षित करना या सिडक्शन भी एक दिमाग के खेल की तरह है, जिसे पूरी तरह समझने पर हम इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर किसी को दूसरों को आकर्षित करना आता होगा तो उसे ये भी पता होगा कि दिमाग ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है। द आर्ट ऑफ सिडक्शन में रॉबर्ट ग्रीन ने सिडक्शन की कई तकनीकें और इसके तरीकों को समझाया है। इसमें किसी के मन में इच्छा और भावनाओं को जगाना और फिर सिडक्शन को सफल बनाना सिखाया गया है। इस किताब को पढ़कर आप सीखेंगे कि सिडक्शन कैसे संभव है, खुद में खोए लोग ज्यादा आकर्षित क्यों करते हैं, और सभी चीजें सही करने से ही सिडक्शन सफल हो सकता है। किसी भी सिडक्शन तकनीक में हमारी समझ सबसे ज्यादा काम आती है। ये दिमाग का खेल है और इसीलिए हमें अपनी हर कमजोरी और ताकत की पहचान होनी चाहिए। हमें अपने टारगेट को आकर्षित करने के लिए उसे लुभाने के सभी दिमागी तरीके आजमाने होंगे, और जब तक थोड़ी भी भावनाएं हैं, सिडक्शन के कामयाब होने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए क्या करें? सिडक्शन सफल करने के लिए हमें ऐसा दिखना चाहिए जो किसी की भी चाहत को जगा दे। हमें दोस्तों से घिरा रहना चाहिए और अपने आसपास अपने प्रशंसकों को रखना चाहिए, जिससे टारगेट पर हमारी राय अच्छी बन सके। लेसन नंबर वन, टारगेट के आसपास अपना वजूद बनाएं, लेकिन इसे ज्यादा ना करें। किसी भी चीज को अगर हम कई बार देखते हैं तो इसके बारे में हमारे मन में सोच बन जाती है। इसको सही ढंग से करना जरूरी है, क्योंकि इसे ज्यादा करने से वो भावना आम हो जाएगी और कम करने से दूसरे को इसका एहसास नहीं होगा। एक सही सिडक्शन प्रक्रिया में हमें हर छोटी चीज का ध्यान रखना होता है, ताकि हम टारगेट के दिल में उत्सुकता बना सकें और उसके मन में अपनी जगह बना सकें। ये कोई सीधा साधा काम नहीं है जो हम एक बार में पूरा कर सकते हैं। इसमें घुमा फिरा कर मुद्दे पर आने में ही समझदारी है। ऐसा करने से टारगेट की भावनाओं और सोच को पूरी तरह से काम करने का समय भी मिलेगा और मौका भी। सबसे पहले सिडक्शन में हमें अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को धीरे धीरे जाहिर करना चाहिए, ताकि टारगेट के मन में उत्सुकता बनी रहे। अगर हम बिल्कुल सीधी तरह से सामने आएंगे तो इससे हमारी इनसिक्योर भावना सामने आ जाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि अपने टारगेट को अपने पास आने का मौका दो, जिससे टारगेट को यही लगना चाहिए कि पहला कदम टारगेट ने उठाया है। खुद को टारगेट की पहुंच में रखें, लेकिन पहल टारगेट को ही करने दें। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके ड्यूक डी लाउजन को डचेस डी मॉन्टपेंजियर मिली। पहली बार मिलने में दिलचस्पी जगाकर फिर कुछ दिनों में बातें करना आसान बनाकर दूर हट जाने से ये पूरी प्रक्रिया ठीक से और धीरे से अपना काम करती रही। लेसन नंबर टू, अपने टारगेट के मन में दिलचस्पी जगाकर दूर हट जाएं। सिडक्शन एक ऐसा खेल है जिसमें दिमाग का सबसे बड़ा काम होता है। ये एक असली जिंदगी में शतरंज की तरह है, जिसमें जो दिखता है उसके पीछे एक और बात छुपी होती है, जिससे अगली बारी में साथ खेलने वाले को जीत का एहसास दिलाकर फिर मात दी जा सकती है। अगर किसी के दिमाग में अपने प्रति दिलचस्पी जगानी हो तो सबसे पहले हमें उसके दिमाग में अपने अलावा किसी और सोच की जगह खत्म करनी होगी। हमें अपने रूप और कामों से टारगेट के दिमाग में थोड़ी दिलचस्पी जगानी चाहिए और फिर उसे थोड़ा एहसास दिलाना चाहिए। ये बहुत आम बात है कि ना समझ में आने वाले लोग अक्सर हमें ज्यादा दिलचस्प और आकर्षित करने वाले लगते हैं। हमें टारगेट के सामने अपनी अस्पष्ट पहचान बनाए रखनी चाहिए, ताकि टारगेट हमें विचारशील और संजीदा समझे। जैसे सीधी सादी शक्ल वाला जब अपनी आंखों से कभी कभी फ्लर्ट करे और इसमें शर्म भी शामिल हो,
तो इससे टारगेट पर बहुत सफल असर पड़ सकता है। हमेशा सबसे आगे रहना या हमेशा सबसे पीछे रहना, यही सही नहीं होगा। हमें एक परफेक्ट बैलेंस बनाना जरूरी है। इन सभी भावनाओं को शामिल करना जरूरी है। इसी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने जोसेफीन डी बेहरनाइस को अपनी पत्नी बनाया। नेपोलियन को पसंद करने वाली बहुत सारी लड़कियों के बीच जोसेफीन ने सबसे सही तरीके से उसे आकर्षित किया और इसी तकनीक से उन्होंने अपने सिडक्शन में सफलता हासिल की। लेसन नंबर 3, अगर टारगेट के दिल में अपनी जगह बनानी है तो उसकी कमजोरियों को समझो। हम सभी को किसी सहारा देने वाले की जरूरत तभी होती है जब हम किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हों। हम सबकी कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं और जब हमारा इन कमजोरियों से सामना होता है तो हमें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे समय में सहारा देने से हमारे टारगेट के मन में हम अपनी जगह आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए सिडक्शन में हमें अपने टारगेट के अकेलेपन या और किसी कमजोरी को समझकर उसे भरने की काबिलियत दिखानी चाहिए। जब किसी को प्यार होता है तो वो अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि हम दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी की कमियों को भरने में मददगार पाते हैं। हम अपनी जिंदगी में अपने खालीपन को दूर होता देखकर ही किसी दूसरे को अपनी जिंदगी में आने की परमिशन देते हैं। चाहे हम असली जिंदगी के रोमांस की बात करें या पॉलिटिक्स में होने वाले सिडक्शन की बात करें, सबकी शुरुआत एक ऐसी भावना से होती है जिससे टारगेट को दूसरे के रहने से अपनी जिंदगी में बदलाव और बेहतरी दिखाई देती है। इसके बाद ये जरूरी है कि हम टारगेट को अपनी खासियत दिखाएं जिससे उसके दिमाग में हमारी जगह खास बन जाए। इसमें एक बैलेंस की जरूरत होती है। हमें अपने टारगेट की भावनाओं को एक हद तक जोड़ तोड़ करनी चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इसमें बात आत्मसम्मान पर ना आए, क्योंकि इससे सिडक्शन पूरी तरह से खराब हो जाएगा और टारगेट के दिमाग में हमारी वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेसन नंबर 4, अपने अंदर ऐसी विशेषताएं लाएं जिसमें टारगेट को सबसे ज्यादा दिलचस्पी हो। जिस तरह से शिकारी छोटे पक्षियों को शीशा दिखाकर उनका चेहरा उनको दिखाकर जाल में फंसाते हैं, उसी तरह इंसान भी कई बार सिडक्शन के इल्यूजन की वजह से खुद की समझ भूल जाते हैं जिससे उन्हें फंसाना आसान हो जाता है। इस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। टारगेट को जब हमारे अंदर अपनी पसंद की चीजें ही दिखाई देंगी तो वो बिना कुछ ज्यादा करे ही हमारी तरफ खींचता चला जाएगा। जब टारगेट बदलाव देखकर खुश हो तो ये सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि इसकी आदत टारगेट को आसानी से पड़ जाती है और फिर ये ना मिलने पर इसकी कमी लगने लगती है। इसी तरह से जीनी पॉइसन ने फ्रांस के राजा लुई 15 को अपनी ओर आकर्षित किया। पॉइसन ने लुई 15 की छुपी कलाओं को जगाने और समझने में मदद की। उसने लुई 15 को हर तरह से अपनी इम्पोर्टेंस का अंदाजा दिलाया। ऐसा करने के लिए हम कभी कभी टारगेट की आदतों और चाहतों को अपने अंदर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपने ही जैसे लोगों से भी आकर्षित होते हैं और ऐसा आकर्षण हमारे अपने फैसलों और भावनाओं पर निर्भर होता है। इसीलिए इसे सबसे नेचुरल कहा जा सकता है। लेसन नंबर 5, चीजों को बदल बदल कर दिखाते रहें और किसी चीज से भी ध्यान ना हटाएं। अपने टारगेट का ध्यान खींचना ही काफी नहीं है। अगर टारगेट का ध्यान आपकी तरफ आ चुका है तो फिर हमें चीजों को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। हमारे टारगेट के लिए चीजों को थोड़ा कंफ्यूज बनाकर उन्हें सोच में डाल देना चाहिए। ऐसा हमारे बर्ताव में अचानक बदलाव से हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल साधारण बर्ताव में किसी को भी ज्यादा देर तक दिलचस्पी बनी नहीं रह सकती। हम सभी को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ नयापन पसंद आता है। जैसे हम जब किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें लिखी अलग अलग बातों से हमारी दिलचस्पी इसमें बनी रहती है। इसी तरह के बदलाव को हम सिडक्शन कहते हैं, क्योंकि इनसे ही चीजों में हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। अगर हम अपने टारगेट को मजेदार जगह पर नई चीजें करने ले जाएंगे, अपनी आदतों या पर्सनैलिटी में थोड़ा बदलाव करके या अलग अलग तोहफे देकर हम टारगेट को अपनी अच्छी शख्सियत का एहसास दिला सकते हैं। ज्यादातर लोग पहली बार में जल्दीबाजी में फैसले लेते हैं,
क्योंकि पहली मुलाकात में सोची गई बातें अक्सर हमारी कल्पनाओं को दर्शाती हैं और इन कल्पनाओं को समझना जरूरी है। हम शुरुआत धीरे और शर्मीले व्यवहार से कर सकते हैं और बाद में हम समय के साथ अपने अंदर जरूरी बदलाव कर सकते हैं, जिससे सिडक्शन किसी भी जगह कमजोर ना पड़े। लेसन नंबर 6। एक समय ऐसा होगा जब हमें खुद को जरूरत से ज्यादा जाहिर करना होगा और तब पीछे नहीं हटना चाहिए। हर चीज का एक समय होता है और सिडक्शन में सभी कुछ नाप तोल कर करना जरूरी है ताकि टारगेट की दिलचस्पी बनी रहे। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब अपनी भावनाओं को जरूरत से ज्यादा दिखाना जरूरी हो जाता है। ऐसा ना करना असल में सिडक्शन की एक कमजोरी हो सकती है, इसीलिए ऐसे लम्हों को समझना बहुत जरूरी है और ऐसे समय पर पूरी तरह से खुद को जाहिर करना और भी जरूरी है। कभी कभी सिडक्शन में जरूरत से ज्यादा भावनाएं डालकर कुछ ऐसा करना भी जरूरी है जिसकी शायद जरूरत ना हो और जो पूरी तरह से किसी रिजल्ट की परवाह किए बिना किया गया हो, क्योंकि ऐसी चीजें ही असल में दिल में सबसे जल्दी जगह बना लेती हैं और ऐसा करने पर सिडक्शन में सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, हमें अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए इसे हद से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और अगर ऐसा अवसर ना आए तो हम ऐसे अवसर खुद बना सकते हैं ताकि हम अपनी इम्पोर्टेंस या अपनी भावनाओं को समय रहते व्यक्त कर सकें। छोटी छोटी जरूरत के समय पर हम टारगेट की मदद करके अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास दिला सकते हैं या फेवर ले सकते हैं। अगर मदद के बाद भी हमें इम्पोर्टेंस ना मिले तो हम इसे धीरे से और घुमा फिरा कर जता सकते हैं, लेकिन इसे हमें बहुत ऑब्वियस नहीं दिखाना चाहिए। लेसन नंबर 7। टारगेट के बचपन की यादों से जुड़ना सिडक्शन में मददगार हो सकता है। बचपन की यादें सभी तरह की हो सकती हैं और इसमें सभी तरह की भावनाएं शामिल होती हैं। अगर हमारे टारगेट की बचपन की यादों से हम जुड़ जाएंगे तो टारगेट का हम पर भरोसा बढ़ जाएगा और इससे हम पर उसका ज्यादा ध्यान जाएगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि टारगेट की बचपन की यादों की मदद से हम अपने भावनात्मक कनेक्शन को मजबूत बना सकते हैं। जब हम टारगेट के बचपन से गहरा भावनात्मक कनेक्शन बना लेते हैं तो विश्वास और प्यार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम सभी अक्सर अपनी जवानी और अपने बचपन को सोचकर इन्हें वापस लाने की चाह रखते हैं, क्योंकि वही ऐसा समय होता है जब हम हर समय सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। अगर सिडक्शन में हम ऐसी ही भावना को आज की असलियत बनाने में कामयाब हो जाएं, तो इसकी सफलता बहुत आसान हो जाएगी। टारगेट की सभी तरह की भावनाएं और कल्पनाएं फिर अपने अतीत से छूटकर आपसे जुड़ जाएंगी, जो सिडक्शन की सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें टारगेट की भावनाओं को सुनना और समझना होगा, उनकी कमजोरियों और भावनात्मक बदलावों को जानना होगा। लेकिन साथ साथ हमें अपनी भावनाओं को टारगेट से ना जोड़ने की कोशिश करनी होगी ताकि हम कही और अनकही बातों को समझ सके। सुनने और समझने में सफलता ही सिडक्शन की सफलता कही जा सकती है। सिडक्शन बस पुराने जमाने की तरह अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनकी साइकोलॉजी समझकर उन्हें अपनी बातें मनवाने के लिए यूज किया जा सकता है। स्पेशली आज के टाइम पे जहां ब्रूटल फोर्स यूज करना आपको सीधा जेल की टिकट दे सकता है। मैं बताया था कि कैसे किसी भी इंसान को अगर आपको सिड्यूस करना है तो उसे सिड्यूस करने से पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप कौन से टाइप के सिड्यूसर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सिडक्शन कर पाना एक पजल है जो अलग अलग पीसेस से बनता है, तो उसमें सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आप कौन से पीस हो और सामने वाला इंसान कौन सा पीस है, ताकि आप दोनों फिट हो सको, राइट? सो चलो उन फटाफट उन नौ टाइप के सिड्यूसर्स को रिवाइज करते हैं। पहले होते हैं द साइरन। ये वो लोग होते हैं जो फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, यूजुअली गर्ल्स, जो फिजिकल ब्यूटी की हेल्प से लोगों को सिड्यूस करती है। सेकंड होते हैं द रेक। ये अपने डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं। आप बोल सकते हो ये जो बैड बॉय वाले लोग होते हैं ना, वो बेसिकली रेक होते हैं। थर्ड होते हैं आइडियल लवर। ये वो लोग होते हैं जो अपने पार्टनर के सारे डिजायर्स को पूरा करते हैं। फोर्थ होते हैं द डैंडी। ये लोग मस्कुलर नेचर के तो होते हैं, बट इनके अंदर थोड़ा फेमिनाइन टच भी होता है। फिफ्थ होते हैं द नेचुरल। ये लोग बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस और एनर्जेटिक होते हैं, मतलब चाइल्ड लाइक क्वालिटीज होती है इनमें। छठे होते हैं द कॉन्क्रीट। ये लोग बेसिकली मिक्स सिग्नल्स देते हैं। ये लोग कभी हॉट और कभी कोल्ड सिग्नल्स देते हैं सामने वाले को। सेवंथ होता है द चार्मर। ये बेसिकली बहुत ज्यादा वाइस और अंडरस्टैंडिंग लोग होते हैं।
एट्थ होते हैं द करिज्मेटिक, ये लोग जब भी रूम में आते हैं एक अलग सा माहौल बन जाता है। लास्ट होते हैं द स्टार, ये आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी जैसे लोग होते हैं या फिर सेलिब्रिटी ये होते हैं। अब इनके बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा डिटेल में जानना है ये क्या होते हैं तो आई बटन में लिंक है, वहां से जाकर आप पहला पार्ट देख सकते हो। बट अगर आप अभी जाके नहीं देखोगे, वीडियो के बाद में देख लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी एक्चुअल जो प्रॉब्लम डिस्कस करने लायक है वो दो प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम ये है, मे बी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और आपको समझ में ना आए कि आप कौन से टाइप के सीड्यूसर हो, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मे बी आप अपने आप को मिसजज कर लो। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना जो लोग अपने आप को शेर समझते हैं बट होते हैं बिल्ली। अब ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, आप कौन से टाइप के अच्छे सीड्यूसर हो ये समझने से अच्छा, ये एकदम क्लियर करने से बेटर ये है कि आप ये समझ जाओ कि आपको क्या नहीं बनना है। स्टीवन कवी, टिम फेरिस, डेविड एलन, ऐसे कई सारे ग्रेट ऑथर्स हैं जो लोग ना टाइम मैनेजमेंट के लिए एक चीज बोलते हैं कि टू डू लिस्ट बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू डू लिस्ट बनाओ, क्या नहीं करना है एग्जैक्टली वो भी समझ लो तो भी आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर लोगे। सिमिलरली अगर अच्छा सीड्यूसर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है तो एंटी सीड्यूसर्स कौन होते हैं ये चीज समझ लो। तो चलो फटाफट उन 8 टाइप के एंटी सीड्यूसर्स के बारे में जानते हैं और इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके जरूर बताना कि जब मैं बता रहा हूँ इनके बारे में तो आपके दिमाग में कौन सा इंसान आ रहा है, आपका दोस्त, कोई सेलिब्रिटी या कोई भी होगा तो चलेगा। और हाँ, जिसका भी सबसे बेस्ट कमेंट होगा, सबसे अच्छा कमेंट होगा, उसे मैं पिन भी करूंगा, ठीक है, तो उसे थोड़ा सीरियसली लेना। अभी स्टार्ट करते हैं 8 टाइप के एंटी सीड्यूसर्स जिनमें से आपको एक भी नहीं बनना है। उसमें से पहला आता है द ब्रूट। आपने ये वाला वीडियो देखा है जहाँ एक लड़की अपने हाथ से मधुमक्खियों को आइसक्रीम की तरह स्कूप कर रही है। Now, ये वीडियो obviously shocking था, इसलिए वायरल भी हुआ। Because कोई भी इंसान इतनी सारी मधुमक्खियों से डील करने के लिए इतने प्रोटेक्टिव गियर्स तो जरूर पहनेगा, राइट? बट ये लड़की तो यहाँ ऐसी निकल गई, नॉर्मल से कपड़ों में ये ऐसे मधुमक्खियों के साथ खेल रही है जैसे वो खिलौने हैं। बट ये ऐसा कैसे कर पा रही है? वेल आंसर, बिकॉज शी इज नॉट अ ब्रूट। अब इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे ना कॉमेडी सीरियल्स जिसे सिटकॉम भी बोलते हैं, सिचुएशनल कॉमेडी, वो देखना पसंद है। अभी रिसेंटली मैं एक सिटकॉम देख रहा हूँ जिसका नाम है द ऑफिस। ना ऑफिस में एक मेन कैरेक्टर है माइकल, जो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड रहता है, ठीक है। उसे जरा भी नहीं पता होता कब कैसे बात की जाती है ना ऑल। ना पहला सीजन इसका जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो ऑकवर्ड है, बट सेकंड सीजन से चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है। ना सेकंड सीजन का एक एपिसोड में क्या होता है पता है, माइकल जैसे कि आपको पता ही होगा बहुत स्टूपिड होता है, लोगों से बराबर बात बात नहीं करता, इसलिए जो उसकी बॉस होती है जेन, वो उसके साथ जाती है एक डील क्रैक करने के लिए क्लाइंट के पास। ना ये जो क्लाइंट होता है वो बहुत बड़ा क्लाइंट होता है, जो मिल जाएगा तो उनकी जो ब्रांच है जो बंद होने वाली रहती है वो बच भी सकती है। इसलिए जेन जाती है और वो माइकल को स्पेसिफिकली बोलती है कि तुम बात मत करना, मैं ही बात करूंगी। अब ये लोग डिनर पे जाते हैं। ना जेन जाती है और जाते साथ ही वहाँ पे बिजनेस की बात करने लग जाती है, लेकिन जो क्लाइंट होता है वो बैकफुट पे आ जाता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं हमारे पास ऑलरेडी कॉस्ट कटिंग चल रही है, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। बट यहाँ पे जो माइकल होता है ना वो सरप्राइजिंगली यहाँ पे बहुत स्मार्ट रहता है। वो डायरेक्टली बिजनेस की बात करने के बजाय क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो ना क्लाइंट से बस ऐसी नॉर्मली बात करना चालू करता है कि वो क्या खाना पसंद करेगा, क्या पीना पसंद करेगा, उसे कुछ जोक्स बोलता है और उसे कंफर्टेबल फील कराता है। और ऐसे ही वो बहुत टाइम तक करते रहता है। जेन को लगता है कि यार ये स्टूपिड गिरी इसने वापस से चालू कर दिया है और ना क्लाइंट हाथ से गया ही गया। बट सरप्राइजिंगली क्लाइंट जाता नहीं है, क्लाइंट को माइकल के साथ मजा आने लगती है और कुछ टाइम बाद वो खुद से ही सामने से बोल देता है कि देखो यार मैं कॉस्ट कटिंग तो कर रहा हूँ बट मैं इतने की डील आपके साथ कर लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। मतलब इन शॉर्ट वो डील माइकल क्रैक कर लेता है। क्यों क्रैक कर पाता है? बिकॉज अगेन ही इज़ नॉट अ ब्रूट। ब्रूट होते कौन है? कोई भी वो इंसान जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होता है ना, जिसे अगर कोई चीज़ चाहिए तो अभी ही चाहिए और अगर उसे वो चीज़ अभी नहीं मिलती है तो वो इम्पेशेंट और अनोइंग हो जाता है, उसे बेसिकली बोलते हैं ब्रूट। स्पेसिफिकली सिडक्शन के लिए, इन्फ्लुएंस करने के टाइम आपके अंदर ना ब्रूट वाली क्वालिटी नहीं होना चाहिए, आपको ना चीज़ें थोड़ा घुमा फिरा के करने आनी चाहिए। ब्रूट बेसिकली वो लोग होते हैं जो लोग ब्रूटल फोर्स का यूज़ करने की कोशिश करते हैं हर जगह। उन्हें लगता है कि उनके हाथ में हथौड़ा है और बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो नेल है जिसे उसने मारना है। ये लोग बेसिकली बहुत इम्पेशेंट होते हैं, इन्हें हर चीज़ बस अभी ही चाहिए रहती है और अगर वो चीज़ उन्हें नहीं मिलती है तो वो बहुत अनोइंग हो जाते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, इफ़ यू वॉन्ट टू गैदर हनी डोंट कीक ओवर द बीहाइव। मतलब वही ब्रूटल फोर्स का यूज़ नहीं करना है। आपको जैसा उस लड़की ने आराम से प्यार मोहब्बत से हनी निकाला वैसे आपको शायद निकालने आना चाहिए। सेकेंड एंटी सीड्यूसर्स आते हैं जिन्हें बोलते हैं सफोकेटर्स। आपने वो डर मूवी देखी है शाहरुख खान की जिसमें वो बोलता ना किरण? ना सच बोले तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैंने जितने भी लोगों से पूछा है वो लोग ने ये चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ उसके अंदर जो शाहरुख खान होता है ना वो एक सफोकेटर होता है। सफोकेटर ऑथर उन लोगों को बोलते हैं जिन्हें ना यार एक ही नज़र में प्यार हो जाता है और ऐसा प्यार होता है ना कि उनकी आँख की जो बल्ब है ना वो फूट जाती है, वो प्यार में अंधे हो जाते हैं। सामने वाली लड़की को इनका नाम भी नहीं पता होता अच्छे से और ये उस लड़की के साथ शादी और बच्चों के नाम डिसाइड करने लग जाते हैं। ये जिसे भी पसंद करते हैं ना वो उनकी बातों से कभी डिसएग्री ही नहीं करते हैं और हमेशा गिल्ट का यूज़ करके अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। ये लोग इतने गिर जाते हैं कि ऑथर बोलते हैं इन्हें डोरमेट की तरह इस्तेमाल भी करते हैं लोग। ना इनके अंदर एक अधूरापन होता है जो उन्हें लगता है कि कोई मिल जाएगा तो पूरा होगा, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है।
मेरे दिमाग में तो अगेन एक सिटकॉम का एग्जांपल आ रहा है, अगर आपने बिग बैंग थ्योरी देखी है तो मुझे बहुत पसंद है वो। उसमें एक राजेश कुत्रपाली करके कैरेक्टर होता है, वो मुझे कहीं ना कहीं सफोकेटर जैसा लगता है। आप अपना एग्जांपल कमेंट करना। अब आते हैं थर्ड पे जो होते हैं द विंड बैगर। आप ऐसे एक ना एक इंसान को जरूर जानते होंगे जिसे लगता होगा कि वो बहुत फनी है बट फनी होता नहीं है। और सबसे बुरी बात, ये लोग ऐसे होते हैं ना जो लोग बात बात पे जोक मारते हैं। कोई है ऐसा दिमाग में आ रहा? वैसे ऐसे कई सारे लोग होते हैं। इन्हें ऑथर बोलते हैं विंड बैगर, जो है ना कभी खुद से अपने आप से क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कि क्या मैं सच में फनी हूँ, क्या सच में मैं जितना अपने आपको डेयरिंग बाज हीरो दिखाता हूँ क्या सच में उतना डेयरिंग वाला इंसान हूँ। बेसिकली वो लोग होते हैं ना जो लोग बहुत बड़ी बड़ी हवा में फेंकते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जिनके पास है ना हर बात के लिए कोई ना कोई बात होती है जो उनसे रिलेटेड होती है। इन्हें यूजुअली पता भी नहीं होता कि कब कितना बोलना चाहिए कैसे बोलना चाहिए, जो कहीं ना कहीं इनका सेल्फिश नेचर बहुत ज्यादा दिखाता है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ टाइप के एंटी सीडियसस पे जो है द वल्गेरियन। इमेजिन करो कि आपको ना न्यू वॉच गिफ्ट में मिली है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है, जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आप उसे बड़े प्राउड होकर ना पहन के जाते हो अपने ऑफिस में। जैसे ही आप ऑफिस में जाते हो ना, आपकी एक फ्रेंड होती है, वो देखते साथ आपको बोलती है कि वाओ यार व्हाट अ नाइस वॉच, और काफी कॉम्प्लीमेंट्स देती है। तब आपको कैसा फील होगा? कुछ देर के लिए आप सातवें आसमान में पहुंच जाओगे और फिर वापस नीचे आ जाओगे, राइट? क्यों? बिकॉज शी गेव अटेंशन टू द डिटेल्स। जो लोग है ना इन्फ्लुएंस करने में अच्छे होते हैं ना, उनकी ये निशानी होती है कि वो लोग डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। जबकि जो एंटी सीड्यूसर्स होते हैं ना, स्पेशली वल्गेरियन, वो लोग इसके एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। वही सेम सिचुएशन पे वल्गेरियन को डाल दो ना, तो आप उसे कितना भी वॉच दिखाने की कोशिश करो, उसके मुंह के सामने लेके चले जाओ, फिर भी वो इंसान है ना तारीफ करने के बजाय उस आदमी की कपड़े की बुराई करके निकल जाएगा। ये बेसिकली वो लोग होते हैं, दे आर द पीपल हु कांट रीड द रूम। ऐसे लोग जो लोग बच्चों के सामने एडल्ट बातें कर दे, बूढ़ों के सामने बच्चों वाली बातें करे। बेसिकली इन्हें पता ही नहीं होता कि कौन से इंसान के सामने कौन सी बात करनी चाहिए। वल्गेरियन यूजुअली वो लोग होते हैं जो बहुत मुंहफट होते हैं। इन्हें लगता है कि मैं तो बहुत डेयरिंग बाजू, बट बेसिकली ये लोग इनकंसिडरेट होते हैं। ये कभी ना सोचते ही नहीं है कि इनकी बातों से क्या इफेक्ट हो सकता है, किसे क्या बुरा लग सकता है। और जैसे कि मैंने बताया ना, ऐसा नहीं कि ये लोग को समझ नहीं आता, दे जस्ट डोंट केयर, जिसे साइकोलॉजिकली रेडिकल सेल्फिशनेस कहते हैं। फिफ्थ टाइप के एंटी सीडियसस होते हैं द मोरलाइजर। मुझे याद है स्कूल के टाइम पे बेसिकली क्या होता था, मैं स्कूल से छूटता था, मेरी मॉम आती थी स्कूल से मुझे लेती थी, और वहीं पे बाजार पड़ता था, तो बाजार में वहाँ पे वेजिटेबल्स खरीदती थी ना। एक दिन यही चीज़ हो रही थी, तभी अचानक मैं क्या देखता हूँ कि मेरी टीचर आके सामने खड़ी हो जाती है और वो भी सब्जियाँ ले रही है ना। ये चीज़ मैंने कभी मैंने कनेक्ट ही नहीं किया था कि यार टीचर्स भी सब्जी ले सकते हैं। मैं छोटा सा था, मुझे अजीब सी लग रही थी ये चीज़ें, और टीचर को देखकर मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। नॉर्मली मैं क्या करता, सब्जी वाले के यहाँ सब मस्ती कर रहा होता हूँ, कुछ भी कर रहा होता हूँ, लेकिन जैसी टीचर आ गई ना, मैं वहाँ पे एकदम ऐसा आराम से एकदम डिसिप्लिन के साथ वहाँ पे खड़ा हो गया था। और जब तक वो टीचर वहाँ से नहीं गई, मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। अब देखो, ये तो चलो टीचर की बात हो गई, बॉस की बात हो गई, जो लोग आपको हमेशा अच्छी बातें सिखाते रहते हैं, आपको ना हमेशा लाइन पर रखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ सही है। इमेजिन करो ऐसे एक इंसान कोई आपका दोस्त बन जाए, या कोई आपको इन्फ्लुएंस करने वाला इंसान है, जो इंसान आपको पसंद है, वो आपके साथ हमेशा ऐसे बिहेव करने लग जाए टीचर जैसा, मोरलाइजर, जो आपको हमेशा टोकते रहे कि आप क्या गलत कर रहे हो, और हमेशा आपको सिखाता रहे, क्या आपको ऐसा इंसान पसंद आएगा? वेल, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ होगा, राइट? क्योंकि कोई भी है ना ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट रह के नहीं रहना चाहता है, एवरीवन वांट्स टू लूजन अप, है ना। इसीलिए हम लोग कई बार दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाते हैं, बट कई बार हम लोग अपने रिलेटिव्स के साथ या कोई प्रोफेशनल लोगों के साथ इतना खुल नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लगता है कि यार ये लोग मोरलाइज करेंगे, राइट? इसीलिए फिफ्थ एंटीसीडियस जैसे आपको नहीं बनना है, वो है हमेशा मोरलाइजर बनने की कोशिश मत करना। देखो, कभी कभी कुछ बातें बताना अच्छी बात है, लेकिन अगर हर बात पर अगर आप टोक रहे हो तो आप मोरलाइजर बन रहे हो। मोरलाइजर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो लोग कुछ फिक्स आइडियाज और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही जीते हैं। ये लोग हमेशा लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें जज करते हैं, जिससे उन्हें काफी प्लेजर मिलता है। बट रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकली ये लोग बहुत ज्यादा अनहैप्पी होते हैं अंदर से, और जिसकी वजह से ये लोग हमेशा अपना डोमिनेशन दूसरों के ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने से तो ये दिखाते हैं कि आपका भला चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये सिर्फ डोमिनेट फील कराना चाहते हैं अपने आप को। और इन्हें आइडेंटिफाई करना भी बहुत ईजी है। यूजुअली ये ग्रुप में वो लोग होते हैं जो लोग ना ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं दूसरों से। मेरे दिमाग में ना इसको लेके कैरेक्टर आया है, वही ऑफिस का ही एक ड्वाइट की गर्लफ्रेंड होती है एंजेला, वो बिल्कुल वैसी ही रहती है। सिक्स्थ एंटी सीड्यूसर्स पे आते हैं जिन्हें बोलते हैं टाइट वार्ड। आपने ढोल मूवी देखी है क्या? मैंने देखी, मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगती है, मतलब फनी मूवी लगती है काफी। उसका एक सीन है स्पेसिफिकली जो मुझे काफी फनी लगता है, ये वाला सीन। अरे साहब, मारू ने 102 रुपया कम लाया है। 102 रुपए कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा? ये वाला सीन मुझे काफी फनी लगता है, इसके मीम्स भी बनते हैं। बेसिकली इसमें जो मामा रहता है वो बहुत ज्यादा कंजूस रहता है, या फिर आप बोल सकते हो टाइट वर्ड रहता है। तो टाइट वर्ड है ना, यूजुअली ऑथर कंजूस लोगों को बोल रहा है। वैसे तो कंजूस लोग आप देखना किसी को पसंद नहीं आते हैं, बट कई बार लोग कंजूसी ना अपने अंदर भी करने लग जाते हैं, ऐसे टाइम पे भी करने लग जाते हैं जहाँ पे नहीं करना चाहिए। स्पेशली कंजूसी और सिडक्शन का रिलेशनशिप है ना, आप बोल सकते हो काफी गहरा है। जब लोग किसी को इन्फ्लुएंस करना है, किसी से बात करना है, बट स्टिल कंजूसी दिखाते हैं अपने ड्रेसिंग स्टाइल पे,
ना ढंग से कपड़े पहनेंगे, ना ढंग से बाल बनाएंगे, ना परफ्यूम लगाएंगे, और आप बोल से तो कहीं ना कहीं अपनी हाइजीन को मेंटेन करने में भी कंजूसी कर देते हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टर्न ऑफ होती है कई सारे लोगों के लिए। और बात सिर्फ कंजूसी की भी नहीं है, मतलब कई बार लोग है ना सिर्फ पैसों से रिलेटेड बहुत चीज़ें सोचते हैं ना, जैसे कि 3 डेट्स का जो हमारे रहते हैं ना, ये वाले भाई साहब मेरे इतने डॉलर का शूज़, मेरे 3 लाख के शूज़, या ऐसा वो बोलते हैं ना, ये बंदा भी कहीं ना कहीं टाइट वर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो टर्न ऑफ होता है। 7th आते हैं द बम्बलर्स। आप सब अगेन किसी ना किसी ऐसे इंसान को ज़रूर जानते होंगे जो किसी ना किसी लड़की को पसंद करता है, लड़के को पसंद करता है, लेकिन कभी भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। 1 साल 2 साल सालों निकल जाते हैं, कॉलेज से बंदा बाहर निकल जाता है, बट फिर भी वो हमेशा चुप रहता है और कभी उससे बात नहीं कर पाता है। कुछ दोस्त आपके दिमाग में ज़रूर आ रहे होंगे, राइट? हो सकता है आप भी हो, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे तो था। अब देखो, सिडक्शन, रोमांस, इन्फ्लुएंस, ये टॉपिक तो हर सोसाइटी में ही एक चैलेंजिंग बैटल की तरह होती है, बट बात ही है कि इस बैटल में अगर जीतना है ना, तो आपको एक वॉरियर की तरह बोल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एक स्ट्रांग पर्सन रखना बहुत ज़रूरी है, तभी सामने वाला हाँ बोलेगा या आपकी बात पे एग्री करेगा। बट दूसरी तरफ जो बम्बलर्स होते हैं ना, उनके अंदर ये बोल्डनेस ज़रा भी नहीं होती है। वो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कि यार मैं जाके बात करूँगा तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं कैसा दिखूंगा, मैं ख़राब दिख जाऊंगी, मैं ख़राब दिख जाऊंगा। और ये चीज़ भी ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत शरीफ है या बहुत अच्छे हैं इसलिए कर रहे हैं। डीप डाउन देखोगे तो कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस है, एक डर है कि लोग उनको जज करेंगे, ये चीज़ उन्हें नहीं पसंद होती है, जिसके वजह से वो लोग एक एंटी सेड्यूसर्स की तरह दिखते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने खुद से ऑब्सेस्ड होते हैं, मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, मेरे बाल सही है कि नहीं, किसी और का बर्थडे रहेगा बट स्टिल उन लोग का फोकस अपने ऊपर ही रहेगा, काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट भी बोल सकते हो। और लास्ट आता है 8th, द रिएक्टर। देखो, मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स के एग्जाम्पल दे दिए, तो एक और सीरियल का एग्जाम्पल ले लो, मिर्ज़ापुर मुझे काफ़ी पसंद आया था, सीज़न 1 स्पेशली। उसमें जो हमारे मुन्ना भैया रहते हैं ना, वो एक ब्रूट तो होते ही है, ब्रूट जैसा कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, जो लोग हमेशा फोर्स से हर चीज़ पाने की कोशिश करते हैं, राइट? बट यहाँ उसके साथ साथ वो एक रिएक्टर भी होता है, मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, ऐसे लोग जो लोग दूसरों का मजाक तो आराम से बना लेंगे, बट जैसे ही कोई इनके ऊपर जोक मारेगा इनका मुंह बन जाता है, वो लोग उससे बात करना बंद कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाते हैं, वो भी बहुत जल्दी। देखो, थोड़ा बहुत तो सभी रिएक्ट करते हैं, वो बात तो है, लेकिन ये लोग एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि इनका ईगो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। अब देखना, यूजुअली जितनी भी मूवीज़ होती है उसमें जो विलन होते हैं ना, वो यूजुअली उनको यही कैरेक्टर मिलता है, रिएक्टर्स वाला, जो हर चीज़ पर रिएक्ट करते हैं। अगर वो विलन के बेटे हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा वाइनिंग और कंप्लेनिंग करते हैं कि डैडी ये हो गया, वो हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं। यही थे वो 8 टाइप के एंटी सीड्यूसर्स। बेसिकली इन शॉर्ट, अगर मैं आपको सारे एंटी सीड्यूसर्स के कॉमन ट्रेट्स बताऊँ, तो ये लोग देखो बहुत इनसिक्योर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्जर्व्ड होते हैं, ये दूसरों की साइकोलॉजी, दूसरों को क्या चाहिए ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, और दूसरे का छोड़ो, इनको खुद को नहीं पता होता कि इन्हें क्या चाहिए होता है, जिसके वजह से लोग बहुत कन्फ्यूज, अंडर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। प्लस इनके अंदर ना वो सटलनेस नहीं होती है, सिडक्शन में ना सटलनेस बहुत ज़रूरी है, एक रोमांस बहुत ज़रूरी है। आपने वो गाना सुनोगा ना, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? वो बोलती है कि इस बात को अगर तुम ज़रा और सजा के कहते, ज़रा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। वेल, कहीं ना कहीं वो एक आंसर ये है कि सटलनेस होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो, पहला वीडियो, ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली आपको ये बताने में हेल्प करेगा कि अगर सिडक्शन, इन्फ्लुएंस कर पाना किसी को भी एक पज़ल सॉल्व करने जैसा है, तो उस पज़ल में आप कौन से पीस हो, ठीक है? बट सामने वाला कैसा पीस है ये समझना भी ज़रूरी है, तभी तो अगेन आप दोनों जुड़ पाओगे, राइट? या इन्फ्लुएंस हो पाएगा, सिडक्शन हो पाएगा, जो भी होना है वो हो पाएगा, करंट फ्लो हो पाएगा, बराबर? सामने वाले को समझना पड़ेगा, सामने वाले को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उनकी लाइफ में क्या गैप है, क्या चीज़ मिसिंग है। बिकॉज याद रखो, सिडक्शन तभी हो पाता है जब कोई एक इंसान की लाइफ में कोई एक गैप हो, कोई डिज़ायर, कोई ड्रीम या कुछ तो हो गैप, जिसे कोई दूसरा इंसान फिल कर सके। और ये जो गैप्स होते हैं ना, जो डिज़ायर्स होते हैं ना, वो 18 टाइप के होते हैं, या बोल सकते हो 18 टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें आप समझ गए कि हाँ, ये इंसान ऐसा है, इसका ये डिज़ायर है, मैं ऐसा हूँ, अगर मैं इसे ये चीज़ दूंगा तो उसे पसंद आएगी और एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाएगा, अच्छा इन्फ्लुएंस हो पाएगा, राइट? इसलिए वो 18 चीज़ समझना भी ज़रूरी है। 18 लोग कौन है वो? एक रिफॉर्म्ड रेक, या सायरन बोलते हैं। 2nd, डिसअपॉइंटेड ड्रीमर। 3rd, पैम्पर्ड रॉयल। जिसे अगर मैं यही समझाने जाऊंगा तो बहुत घाई हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में मैं डिटेल में, 18 टाइप के लोग कैसे होते हैं वो भी आपको समझना है, ताकि बेस्ट तरीके से इन्फ्लुएंस, सिडक्शन, ये सारी चीज़ें हो सके, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर बनाऊँ, एक सीरीज़ जैसा ही बना दूँ, क्योंकि आगे भी कुछ बातें हैं मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, इस बुक की बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको समझना ज़रूरी है, एक इन्फ्लुएंस सीखने के लिए, सिडक्शन सीखने के लिए, जो आज के टाइम पर सीखना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। रॉबर्ट ग्रीन ने ना यार बहुत अच्छी बुक लिखी है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक लिखी है, जो उन्हें काफ़ी सेल्फ रिसर्च और मेहनत करके लिखी है, इंटरेस्टिंग। The Art of Seduction by Robert Greene। इससे पहले कि हम इस लंबी और जादुई किताब में खो जाएं, I would request you to please consider subscribing this channel। प्रस्तावना। हजारों साल पहले
शक्ति ज्यादातर शारीरिक हिंसा के माध्यम से प्राप्त की जाती थी और क्रूरता शक्ति के साथ बनाए रखी जाती थी। सूक्ष्मता की बहुत कम आवश्यकता थी। एक राजा या सम्राट को निर्दयी होना पड़ता था। केवल कुछ गिने चुने लोगों के पास ही शक्ति थी, लेकिन इस योजना के तहत महिलाओं से अधिक किसी को भी कष्ट नहीं उठाना पड़ा। उनके पास प्रतिस्पर्धा करने का कोई तरीका नहीं था। उनके निपटान में कोई हथियार नहीं था जो एक आदमी को वह कर सकता था जो वे चाहते थे। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से या घर में भी बेशक पुरुषों की एक कमजोरी थी, सेक्स के लिए उनकी अतृप्त इच्छा। ऐसी कौन सी शक्ति थी जो इतनी अस्थाई और कमजोर थी, फिर भी महिलाओं के पास इस शर्त को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिनकी सत्ता के लिए भूख बहुत अधिक थी और जिन्होंने वर्षों से बहुत चतुराई और रचनात्मकता के माध्यम से गतिशील को चारों ओर मोड़ने का एक तरीका ईजाद किया, जिससे शक्ति का अधिक स्थायी और प्रभावी रूप तैयार हो गया। ये महिलाएं उनमें बतशेबा पुराने नियम से, हेलेन ऑफ ट्रॉय, चीनी सायरन HS आईशी और उनमें से सबसे बड़ी क्लियोपेट्रा ने प्रलोभन का आविष्कार किया। सबसे पहले वे एक आकर्षक रूप के साथ एक आदमी को अट्रैक्ट करते थे। एक देवी की छवि को जीवंत करने के लिए उनके श्रृंगार और श्रृंगार को डिजाइन करते थे। केवल मांस की झलक दिखाकर वे एक आदमी की कल्पना को चिढ़ाते हैं, न केवल सेक्स की इच्छा को उत्तेजित करते हैं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए एक काल्पनिक आकृति रखने का मौका। एक बार जब वे अपने पीड़ितों की रुचि रखते थे तो ये महिलाएं उन्हें युद्ध और राजनीति की मर्यादा रेखा की दुनिया से दूर कर देती थी और उन्हें स्त्री दुनिया में समय बिताने के लिए ले जाती थी। विलासिता, तमाशा और आनंद की दुनिया। क्लियोपेट्रा ने नील नदी की यात्रा पर जूलियस सीजर को लुभाने के रूप में उन्हें यात्रा पर ले जाकर उन्हें शाब्दिक रूप से भटका भी सकते हैं। पुरुष इन परिष्कृत कामुक सुखों के आदि हो जाएंगे, वे प्यार में पड़ जाएंगे, लेकिन तब अनिवार्य रूप से महिलाएं अपने पीड़ितों को भ्रमित करते हुए ठंडी और उदासीन हो जाती थी। बस जब पुरुष अधिक चाहते थे तो उन्होंने पाया कि उनके सुखों में कमी आई है, उन्हें पीछा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। जो एहसान उन्होंने एक बार चखा था उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में कमजोर और भावुक हो गए। जिन पुरुषों के पास शारीरिक बल और सारी सामाजिक शक्ति थी, किंग डेविड, ट्रोजन पेरिस, जूलियस सीजर, मार्क एंटनी, किंग फू चाई जैसे पुरुष खुद को एक महिला का गुलाम बनते हुए पाएंगे। दमन और तिरस्कार इस प्रकार आमतौर पर उभरने में महिलाओं की हिस्सेदारी थी और रही होगी। समाज यह अवस्था में चली सदियों के अनुभव ने उन्हें बल के स्थान पर कौशल का विकल्प सिखाया। महिलाओं ने आखिरकार महसूस किया कि चूंकि वो कमजोर थी, उनका एकमात्र संसाधन बहकाना था। वे समझ गईं कि यदि वे बलपूर्वक पुरुषों पर निर्भर हैं तो पुरुष आनंद के माध्यम से उन पर निर्भर हो सकते हैं। वे ये जानने वाले पहले व्यक्ति थे कि आनंद हमेशा इस विचार के नीचे होता है कि कोई इसे बनाता है और ये कि कल्पना प्रकृति से कहीं आगे जाती है। एक बार जब ये बुनियादी सत्य ज्ञात हो गए तो जिन्होंने जिज्ञासा जगाने के लिए सबसे पहले अपने आकर्षण पर पर्दा डालना सीखा, उन्होंने सहमति देने की इच्छा होने पर भी मना करने की कठिन कला का अभ्यास किया। उसी क्षण से वे जानती थी कि पुरुषों को कैसे सेट करना है, कल्पना को जगाना है वे जानती थी कि कैसे जगाना है और प्रत्यक्ष इच्छाएं जैसे वे प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सौंदर्य और प्रेम अस्तित्व में आया जब बहुत सारी महिलाएं
कम कठोर हो गई। ऐसा नहीं है कि वह खुद को उस दमन की स्थिति से पूरी तरह से मुक्त करने में कामयाब रही जिसके लिए उनकी कमजोरी ने उन्हें दोषी ठहराया था, लेकिन सतत युद्ध की स्थिति में जो अस्तित्व में है, महिलाओं और पुरुषों के बीच किसी ने उन्हें देखा है, दुलार की मदद से वे आविष्कार करने में सक्षम हुए हैं। लगातार लड़ते हैं, कभी कभी जीतते हैं और अक्सर अधिक कुशलता से उनके खिलाफ निर्देशित ताकतों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी पुरुष भी महिलाओं के खिलाफ हो गए हैं। इन हथियारों को महिलाओं ने उनका मुकाबला करने के लिए गढ़ा था और उनकी गुलामी पूरी तरह से कठोर हो गई है। हिंसा और क्रूरता के सामने इन महिलाओं ने सिडक्शन की कला सीखी। उन्होंने सबसे पहले मन पर काम करना सीखा, कल्पनाओं को उत्तेजित करना, एक आदमी को और अधिक चाहते हुए रखना, आशा और निराशा के पैटर्न बनाना, प्रलोभन का सार। उनकी शक्ति शारीरिक नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक थी, बलशाली नहीं अपितु परोक्ष और धूर्त थी। ये पहली महान प्रलोभिकाएं शत्रु के विनाश की योजना बनाने वाले सैन्य जनरलों की तरह थी। वास्तव में प्रलोभन के प्रारंभिक विवरण अक्सर इसकी तुलना युद्ध से करते हैं, युद्ध का स्त्री संस्करण। क्लियोपेट्रा के लिए ये साम्राज्य को मजबूत करने का एक साधन था। प्रलोभन में महिला अब एक निष्क्रिय यौन वस्तु नहीं थी, वह एक सक्रिय एजेंट बन गई थी। कुछ अपवादों के साथ लैटिन कवि ओविड मध्यकालीन संकटमोचन पुरुषों ने इस तरह के तुच्छ के साथ खुद को ज्यादा चिंतित नहीं किया। फिर 17वीं शताब्दी में एक बड़ा परिवर्तन आया। पुरुषों ने सेक्स के प्रति एक युवा महिला के प्रतिरोध को दूर करने के तरीके के रूप में प्रलोभन में रुचि बढ़ाई। इतिहास के पहले महान पुरुष प्रलोभक ड्यूक डी लोजुन डोन जुआन किंदवती के प्रेरित करने वाली विभिन्न स्पेनियों ने महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से नियोजित तरीकों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने कल्पना को उत्तेजित करने के लिए कॉकवेट खेलने के लिए अपनी उपस्थिति के साथ चकाचौंध करना सीखा। उन्होंने खेल में एक नया मर्दाना तत्व भी जोड़ा, मोहक भाषा, क्योंकि उन्होंने कोमल शब्दों के लिए एक महिला की कमजोरी की खोज की थी। प्रलोभन के ये दो रूप, दिखावे का फेमिनिन उपयोग और भाषा का जादू, अक्सर लिंग रेखाओं को पार कर जाता है। कैसानोवा एक महिला को अपने कपड़ों से चकाचौंध कर देगा, अपने शब्दों से एक आदमी को मंत्रमुग्ध कर देगा। उसी समय जब पुरुष प्रलोभन के अपने संस्करण को विकसित कर रहे थे, दूसरों ने सामाजिक उद्देश्यों के लिए कला को अनुकूलित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे यूरोप की सरकार की सामंती व्यवस्था अतीत में चली गई, दरबारियों को बल के उपयोग के बिना अदालत में अपना रास्ता निकालने की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने वरिष्ठों और प्रतिस्पर्धियों को मनोवैज्ञानिक खेलों, कोमल शब्दों, थोड़े से सहवास के माध्यम से बहकाने की शक्ति सीखी। जैसे जैसे संस्कृति का लोकतांत्रिकरण हुआ, अभिनेता, डांडी और कलाकार अपने दर्शकों और सामाजिक परिवेश को आकर्षित करने और जीतने के तरीके के रूप में प्रलोभन की रणनीति का उपयोग करने लगे। 19वीं शताब्दी में एक और महान परिवर्तन हुआ। नेपोलियन जैसे राजनेताओं ने सचेत रूप से खुद को बड़े पैमाने पर बहकाने वाले के रूप में देखा। ये पुरुष मोहक वाक्पटुता की कला पर निर्भर थे। नाटकीय उपकरणों का उपयोग करना, एक आवेशित भौतिक उपस्थिति बनाना, ये सब उन्होंने सीखा, करिश्मा का सार था और आज भी बना हुआ है। जनता को बहकाकर वे बल प्रयोग के बिना अपार शक्ति अर्जित कर सकते थे। आज हम प्रलोभन के विकास के अंतिम बिंदु पर पहुंच गए हैं। अब पहले से कहीं अधिक बल या किसी भी प्रकार की क्रूरता को हतोत्साहित किया जाता है। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों को इस तरह से राजी करने की क्षमता की आवश्यकता होती है जो खुद को अपमानित या आरोपित ना करें। लालच के रूप हर जगह पाए जा सकते हैं। पुरुष और महिला रणनीतियों का सम्मिश्रण है।
विज्ञापन इशारा करते हैं, नरम बिक्री हावी है। अगर हमें लोगों की राय बदलनी है और राय को प्रभावित करना प्रलोभन के लिए बुनियादी है, हमें सूक्ष्म अचेतन तरीकों से कार्य करना चाहिए। आज कोई राजनीति नहीं, सीएल अभियान प्रलोभन के बिना काम कर सकता है। जॉन एफ के युग के बाद से कैनेडी के अनुसार राजनीतिक हस्तियों के लिए करिश्मा की डिग्री की आवश्यकता होती है। अपने दर्शकों का ध्यान बनाए रखने के लिए एक आकर्षक उपस्थिति, जो कि आधी लड़ाई है। फिल्मी दुनिया और मीडिया मोहक सितारों और छवियों की एक आकाशगंगा बनाते हैं। हम मोहक में संतृप्त हैं, लेकिन भले ही डिग्री और दायरे में बहुत कुछ बदल गया हो, प्रलोभन का सार स्थिर है। कभी भी जबरदस्ती या प्रत्यक्ष ना हो, इसके बजाय आनंद को चारे के रूप में उपयोग करें। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करें, इच्छा और भ्रम को उत्तेजित करें, मनोवैज्ञानिक समर्पण को प्रेरित करें। प्रलोभन में जैसा कि आज भी प्रचलित है, क्लियोपेट्रा के तरीके अभी भी कायम है। सेनाओं को आदेश देने की अपेक्षा प्यार करने के लिए बहुत अधिक प्रतिभा की आवश्यकता होती है। मेनेलॉस, यदि आप वास्तव में उसे मारने जा रहे हैं, तब मेरा आशीर्वाद आपके साथ जाता है, लेकिन आपको इसे अभी करना चाहिए, इसे पहले कि वह अपने दिल के तारों को देखें, कि वे अपने दिमाग को घुमा दें, क्योंकि उसकी आंखें सेनाओं के समान हैं, और जहां उसकी दृष्टि पड़ती है वहां नगर जलते हैं, यहां तक कि उनकी राख की धूल उसकी सांसों से उड़ जाती है। मैं उसे जानता हूं, पुरुष ऐलान, और तुम भी, और उसे जानने वाले सभी पीड़ित हैं। किसी आदमी के हाथ में नहीं है एक महिला की धोखेबाजी पर काबू पाने की शक्ति। यह महत्वपूर्ण साइड ट्रैक जिसके द्वारा महिला पुरुष की ताकत से बचने और खुद को सत्ता में स्थापित करने में सफल रही, इतिहासकारों द्वारा उचित विचार नहीं किया गया है। उस क्षण से जब महिला खुद को भीड़ से अलग कर लिया, एक व्यक्तिगत तैयार उत्पाद, प्रसन्नता की पेशकश जो बल से नहीं बल्कि केवल चापलूसी से प्राप्त की जा सकती थी। प्रेम की पुजारियों के शासन का उद्घाटन किया गया। केवल प्रेम की कला के चक्करदार मार्ग से ही महिला फिर से अधिकार जता सकती है, और यह उसने खुद को उसी बिंदु पर मुखर करके किया जिस पर वह आम तौर पर पुरुष की सभ्यता दया की दासी होती थी। उसने वासना की शक्ति, प्रेम की कला के रहस्य, कृत्रिम रूप से जगाए गए जुनून की राक्षसी शक्ति की खोज की थी और कभी भी तृप्त नहीं हुई थी। इसके बाद से बेड़ियों से मुक्त बल दुनिया की सबसे जबरदस्त ताकतों में गिना जाने लगा और कभी कभी जीवन और मृत्यु पर भी अधिकार कर लेता था। मनुष्य की इंद्रियों को जानबूझकर बांधना उस पर एक जादुई प्रभाव डालना था। संवेदना की असीम रूप से व्यापक श्रृंखला को खेलना और उसे प्रेरित करना, जैसे कि एक प्रेरित स्वप्न द्वारा प्रेरित किया गया हो। लोग लगातार हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये बताने के लिए कि क्या करना है, और अक्सर हम उन्हें समझाते हैं, अनुनय विनय के उनके प्रयासों का विरोध करते हैं। हालांकि हमारे जीवन में एक पल ऐसा भी आता है जब हम सभी अलग तरह से व्यवहार करते हैं, जब हम प्यार में होते हैं, हम एक तरह के जादू में पड़ जाते हैं। हमारा मन आमतौर पर अपनी ही चिंताओं में व्यस्त रहता है जब वे प्रेमी के विचारों से भर जाते हैं। हम भावुक हो जाते हैं, सीधे सोचने की क्षमता खो देते हैं, मूर्खतापूर्ण तरीके से कार्य करते हैं जो हम अन्यथा कभी नहीं करेंगे। यदि ये काफी लंबे समय तक चलता है तो हमारे भीतर कुछ खो जाता है। हम अपने प्रियजन की इच्छा और उन्हें अपने पास रखने की इच्छा के आगे समर्पण कर देते हैं। राजद्रोही वे लोग हैं जो समर्पण के ऐसे क्षणों में निहित जबरदस्त शक्ति को समझते हैं। वे विश्लेषण करते हैं कि जब लोग प्यार में होते हैं तो क्या होता है, प्रक्रिया के मनोवैज्ञानिक घटकों का अध्ययन करते हैं। क्या कल्पना को प्रेरित करता है, क्या जादू करता है? स्वभाव से और अभ्यास से वे लोगों को प्यार करने की कला में
महारत हासिल करते हैं। जैसा कि पहली प्रलोभिकाएं जानती थी, वासना की तुलना में प्रेम पैदा करना कहीं अधिक प्रभावी है। प्यार में पड़ा व्यक्ति भावुक, लचीला और आसानी से गुमराह होने वाला होता है। प्रलोभन शब्द की उत्पत्ति भटकने के लिए लैटिन है। वासना में एक व्यक्ति को नियंत्रित करना कठिन होता है और एक बार संतुष्ट होने पर आसानी से आपको छोड़ सकता है। प्रलोभन देने वाले अपना समय लेते हैं, मोह और प्रेम के बंधन पैदा करते हैं ताकि जब सेक्स हो तो यह पीड़ित को और गुलाम बना ले। प्रेम और आकर्षण पैदा करना सभी तरह के प्रलोभनों के लिए आदर्श बन जाता है। यौन, सामाजिक, राजनीतिक प्रेम में डूबा व्यक्ति समर्पण करेगा। ऐसी शक्ति के खिलाफ बहस करने की कोशिश करना व्यर्थ है। ये कल्पना करना कि आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है या कि यह बुरी और बदसूरत है, जितना अधिक आप प्रलोभन के लालच का विरोध करने की कोशिश करेंगे एक विचार के रूप में, एक शक्ति के रूप में, उतना ही अधिक आप खुद को मोहित पाएंगे। कारण सरल है, हम में से अधिकांश लोग किसी के प्यार में पड़ने की शक्ति को जानते हैं। हमारे कार्य, हाव भाव, हम जो कहते हैं उसका उस व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि हम पूरी तरह से ये ना समझ पाएं कि हमने क्या सही किया है, लेकिन ताकत का ये एहसास जहरीला करने में है। ये हमें आत्मविश्वास देता है जो हमें और अधिक मोहक बनाता है। हम इसे एक सामाजिक या कार्य सेंटिंग में भी अनुभव कर सकते हैं। एक दिन हम एक उन्नत मूड में हैं और लोग हमारे प्रति अधिक संवेदनशील, अधिक आकर्षक लगते हैं। शक्ति के ये क्षण क्षणभंगुर होते हैं पर स्मृति में बड़ी तीव्रता से प्रतिध्वनित होते हैं। हम उन्हें वापस चाहते हैं। किसी को भी अजीब या डरपोक या लोगों तक पहुंचने में असमर्थ महसूस करना पसंद नहीं है। प्रलोभन की सायरन कॉल अप्रतिरोध्य है क्योंकि शक्ति अप्रतिरोध्य है और कुछ भी आपको आधुनिक दुनिया में बहकाने की क्षमता से अधिक शक्ति नहीं लाएगा। सिड्यूस करने की इच्छा को दबाना एक तरह का हिस्टेरिकल प्रक्रिया के साथ आपके गहरे नीचे आकर्षण को प्रकट करती है। आप केवल अपनी इच्छाओं को मजबूत बना रहे हैं, किसी दिन वे सतह पर आएगी। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए आपके चरित्र में पूर्ण परिवर्तन या आपके रूप में किसी भी प्रकार के शारीरिक सुधार की आवश्यकता नहीं है। प्रलोभन मनोविज्ञान का खेल है, सौंदर्य का नहीं, और ये किसी भी व्यक्ति की समझ में आ जाता है कि वो इस खेल में निपुण हो जाए। बस जरूरत इस बात की है कि आप दुनिया को अलग तरह से देखें, एक धोखेबाज की नज़र से। एक राजद्रोही शक्ति को बंद और चालू नहीं करता है। प्रत्येक सामाजिक और व्यक्तिगत बातचीत को एक संभावित प्रलोभन के रूप में देखा जाता है। बर्बाद करने के लिए कभी भी एक पल नहीं होता है, ऐसा कई कारणों से है। एक पुरुष या महिला के ऊपर प्रलोभकों की शक्ति सामाजिक वातावरण में काम करती है क्योंकि उन्होंने सीखा है कि यौन तत्व को इससे छुटकारा दिलाए बिना कैसे काम किया जाए। हम सोच सकते हैं कि हम उनके माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन वे वैसे भी इतने सुखद हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जीवन को उन क्षणों में विभाजित करने का प्रयास करना जिनमें आप बहकाते हैं और अन्य जिनमें आप पीछे हटते हैं केवल आपको भ्रमित और विवश करेंगे। कामुक इच्छा और प्रेम लगभग हर मानव की सतह के नीचे दुबक जाता है। केवल बेडरूम में उनका उपयोग करने की कोशिश करने के बजाय अपने कौशल पर पूरी तरह से लगाम देना बेहतर है। वास्तव में राजद्रोही दुनिया को अपने शयनकक्ष के रूप में देखता है। यह रवैया महान मोहक गति पैदा करता है और प्रत्येक प्रलोभन के साथ आप अनुभव और अभ्यास प्राप्त करते हैं। एक सामाजिक या यौन प्रलोभन अगले को आसान बना देता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको अधिक आकर्षक बनाता है।
राजद्रोही की आभा आप पर उतरते ही लोग आपकी ओर अधिक से अधिक संख्या में खींचे चले आते हैं। राजद्रोही का जीवन के प्रति योद्धा जैसा दृष्टिकोण होता है। वे प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार के चार दीवारी वाले महल के रूप में देखते हैं, जिसकी वे घेराबंदी कर रहे हैं। प्रलोभन पैट की एक प्रक्रिया है। शुरू में लक्ष्य के दिमाग में घुसना उनकी रक्षा का पहला बिंदु। एक बार प्रलोभक मन में प्रवेश कर जाते हैं, लक्ष्य को उनके बारे में काल्पनिक आकार बनाते हुए प्रतिरोध को कम करना और शारीरिक समर्पण करना आसान होता है। प्रलोभक सुधार नहीं करते, वे इस प्रक्रिया को संयोग पर नहीं छोड़ते। किसी भी अच्छे जनरल की तरह वे योजना बनाते हैं और रणनीति बनाते हैं, लक्ष्य की विशेष कमजोरियों को लक्षित करते हैं। राजद्रोही बनने में मुख्य बाधा ये मूर्खतापूर्ण पूर्वाग्रह है कि हम प्यार और रोमांस को किसी तरह के पवित्र जादुई दायरे के रूप में देखते हैं, जहां चीजें ठीक हो जाती हैं अगर वे करने के लिए है। ये रोमांटिक और विचित्र लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में हमारे आलस्य के लिए सिर्फ एक आवरण है। किसी व्यक्ति को क्या लुभाएगा, वे प्रयास है जो हम उनकी ओर से खर्च करते हैं, ये दिखाते हुए कि हम कितना ध्यान रखते हैं, वे कितने मूल्य के हैं। चीज़ों को मौके पर छोड़ना आपदा के लिए एक नुस्खा है, और ये दर्शाता है कि हम प्यार और रोमांस को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये कैसानोवा का प्रयास था। वह कलात्मकता जो उसने प्रत्येक मामले पर लागू की, जिसने उसे इतना शैतानी रूप से मोहक बना दिया। प्यार में पड़ना जादू की नहीं बल्कि मनोविज्ञान की बात है। एक बार जब आप अपने लक्ष्य के मनोविज्ञान को समझ जाते हैं और उसके अनुरूप रणनीति बनाते हैं, तो आप जादुई जादू करने में सक्षम होंगे। एक राजद्रोही प्रेम को पवित्र के रूप में नहीं बल्कि युद्ध के रूप में देखता है, जहां सब उचित है। प्रलोभन देने वाले कभी आत्ममुग्ध नहीं होते, उनकी दृष्टि बाहर की ओर होती है, भीतर की ओर नहीं। जब वे किसी से मिलते हैं तो उनका पहला कदम उस पति के अंदर जाना होता है। बेटे की त्वचा दुनिया को उनकी आंखों से देखने के लिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले आत्म अवशोषण असुरक्षा का प्रतीक है, ये मोहक विरोधी है। हर किसी में असुरक्षा की भावना होती है, लेकिन प्रलोभक उन्हें अनदेखा करने का प्रबंधन करते हैं। दुनिया में लीन होकर आत्मसंदेह के क्षणों के लिए उपचार ढूंढते हैं, इससे उनमें उत्साह का संचार होता है, हम उनके आसपास रहना चाहते हैं। दूसरा, किसी की त्वचा में घुसना, ये कल्पना करना है कि वह कैसा होना पसंद करता है। राजद्रोही को बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है, जाने कि वह क्या चीज है जो उस व्यक्ति को गुदगुदाती है, जिससे वह सीधे सोचने की क्षमता खो देता है और एक जाल में गिर जाता है। ऐसी जानकारी से लैस विकेंद्रित और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान कर सकते हैं। दुनिया में एक दुर्लभ वस्तु जिसमें ज़्यादातर लोग हमें केवल अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों के पर्दे के पीछे से देखते हैं। पैट के युद्ध में लक्ष्य की त्वचा में उतरना पहली महत्वपूर्ण सामरिक चाल है। प्रलोभक खुद को आनंद के प्रदाता के रूप में देखते हैं, मधुमक्खियों की तरह जो कुछ फूलों से पराग इकट्ठा करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। बच्चों के रूप में हम ज़्यादातर अपना जीवन खेल और आनंद के लिए समर्पित करते हैं। वयस्कों को अक्सर इस स्वर्ग से कट जाने, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होने का एहसास होता है। राजद्रोही जानता है कि लोग आनंद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें मित्रों और प्रेमियों से पर्याप्त आनंद नहीं मिलता है और वे इसे स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो रोमांच और रोमांस की पेशकश करते हुए उनके जीवन में प्रवेश करता है, उसे रोका नहीं जा सकता। आनंद हमारी सीमाओं से परे ले जाने की भावना है, अभिभूत होने का, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, एक अनुभव द्वारा। लोग अभिभूत होने के लिए मर रहे हैं।
अपनी सामान्य जिद को छोड़ने के लिए। कभी कभी उनका हमारे प्रति प्रतिरोध ये कहने का एक तरीका होता है, कृपया मुझे बहकाएं। प्रलोभक जानते हैं कि आनंद की संभावना एक व्यक्ति को उनका अनुसरण करने के लिए मजबूर कर देगी और इसका अनुभव किसी को खुला स्पर्श करने के लिए कमजोर बना देगा। वे आनंद के प्रति संवेदनशील होने के लिए खुद को प्रशिक्षित भी करते हैं, ये जानते हुए कि खुद आनंद महसूस करने से उनके लिए अपने आसपास के लोगों को संक्रमित करना बहुत आसान हो जाएगा। एक मोहक जीवन को रंगमंच के रूप में देखता है, हर कोई एक अभिनेता है। अधिकांश लोगों को लगता है कि उनके जीवन में सीमित भूमिकाएं हैं जो उन्हें दुखी करती हैं। दूसरी ओर प्रलोभक कोई भी हो सकता है और कई भूमिकाएं ग्रहण कर सकता है। राजद्रोही प्रदर्शन करने में आनंद लेते हैं और उन्हें तोला नहीं जाता है। उनकी पहचान के द्वारा या कुछ के द्वारा उन्हें स्वयं होने की आवश्यकता है या स्वाभाविक होने के लिए। उनकी ये स्वतंत्रता शरीर और आत्मा में यह तरलता ही उन्हें आकर्षक बनाती है। लोगों के जीवन में जो कमी है वह अधिक वास्तविकता नहीं बल्कि भ्रम, कल्पना, खेल है। बहकाने वाले जो कपड़े पहनते हैं वे स्थान जहां वे आपको ले जाते हैं, उनके शब्द और कार्य थोड़े ऊंचे होते हैं, अत्यधिक नाटकीय नहीं बल्कि अवास्तविकता के एक रमणीय किनारे के साथ, जैसे कि आप दोनों कल्पना का एक टुकड़ा जी रहे थे या पात्र थे एक फिल्म के। प्रलोभन वास्तविक जीवन में एक प्रकार का रंगमंच है, भ्रम और वास्तविकता का मिलन। अंत में राजद्रोही जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में पूरी तरह से अनैतिक है। यह सब खेल है, खेल का अखाड़ा है। ये जानते हुए कि नैतिकवादी दबे कुचले दमित प्रकार के लोग जो देशद्रोही की बुराइयों के बारे में चिल्लाते हैं, गुप्त रूप से उनकी शक्ति से ईर्ष्या करते हैं। वे खुद को अन्य लोगों की राय से चिंतित नहीं करते हैं। वे नैतिक निर्णयों में व्यवहार नहीं करते। इससे कम आकर्षक कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ लचीला, तरल और जीवन की तरह है। प्रलोभन धोखे का एक रूप है जिन्हें लोग भटकाना चाहते हैं। वे बहकावे में आना चाहते हैं। यदि वे नहीं करते तो बहकाने वालों को इतने इच्छुक शिकार नहीं मिलते। किसी भी नैतिक प्रवृत्ति से छुटकारा पाएं, प्रलोभक के चंचल दर्शन को अपनाएं और आप बाकी की प्रक्रिया को आसान और स्वाभाविक पाएंगे। प्रलोभन की कला आपको अनुनय और आकर्षण के हथियारों से लैस करने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि आपके आसपास के लोग धीरे धीरे प्रतिरोध करने की क्षमता खो दें, ये जाने बिना कि ये कैसे और क्यों हुआ है। ये नाजुक समय के लिए युद्ध की एक कला है। हर प्रलोभन में दो तत्व होते हैं जिनका आपको विश्लेषण करना चाहिए और समझना चाहिए। पहला, आप स्वयं और आपके बारे में क्या मोहक है, और दूसरा आपका टारगेट और ऐसे कार्य जो उनके बचाव में प्रवेश करेंगे और समर्पण पैदा करेंगे। दोनों पक्ष समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अपने चरित्र के उन हिस्सों पर ध्यान दिए बिना रणनीति बनाते हैं जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करते हैं, तो आपको एक यांत्रिक प्रलोभक, घिनौना और जोड़ तोड़ के रूप में देखा जाएगा। यदि आप दूसरे व्यक्ति पर ध्यान दिए बिना अपने मोहक व्यक्तित्व पर भरोसा करते हैं तो आप भयानक गलतियां करेंगे और अपनी क्षमता को सीमित कर देंगे। नतीजतन प्रलोभन की कला को दो भागों में बांटा गया है। पहली, दी सेडक्टिव कैरेक्टर, नौ प्रकार के प्रलोभक साथ ही विरोधी प्रलोभक का वर्णन करता है। इन प्रकारों का अध्ययन करने से आपको पता चलेगा कि आपके चरित्र में स्वाभाविक रूप से मोहक क्या है, जो किसी भी प्रलोभन का मूल आधार है। दूसरी, दी सेडक्टिव प्रोसेस में 24 युद्धाभ्यास और रणनीतियां शामिल हैं जो आपको निर्देश देंगी कि कैसे एक जादू पैदा करें, लोगों के प्रतिरोध को तोड़ें, अपने प्रलोभन के लिए मूवमेंट और बल दें और अपने लक्ष्य में समर्पण को प्रेरित करें।
दो भागों के बीच एक प्रकार के पुल के रूप में 18 प्रकार के प्रलोभन के पीड़ितों पर एक अध्याय है। उनमें से प्रत्येक ने अपने जीवन से कुछ खो दिया है। प्रत्येक एक खालीपन को पाल रहा है जिसे आप भर सकते हैं। आप किस प्रकार के साथ काम कर रहे हैं ये जानने से आपको दोनों वर्गों में विचारों को अभ्यास में लाने में मदद मिलेगी। इस पुस्तक के किसी भी भाग पर ध्यान ना दें और आप एक अधूरे मोहक होंगे। द आर्ट ऑफ सिडक्शन के विचार और रणनीतियां इतिहास के सबसे सफल प्रलोभकों के लेखन और ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है। स्रोतों में प्रलोभन देने वालों के अपने संस्मरण शामिल हैं। कैसोनोवा एरोल फ्लिन ना तालिबानी मुरलिन मुनरो द्वारा जीवनी क्लियोपेट्रा जोसफिन बोनापार्टे जॉन एफ कैनेडी ड्यूक एलिंगटन। इस विषय पर हैंडबुक सबसे विशेष रूप से ओविड की आर्ट ऑफ लव और लालच के काल्पनिक खाते सोरेन किर्कगार्ड की दी सेड्यूसर की डायरी मुरासाकी शिकुबू की द टेल ऑफ जेनजी इन साहित्यिक कृतियों के नायकों और नायिकाओं को आम तौर पर वास्तविक जीवन के प्रलोभकों पर आधारित किया जाता है। वे जिन रणनीतियों का उपयोग करते हैं वे कल्पना और प्रलोभन के बीच अंतरंग संबंध को प्रकट करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं और एक व्यक्ति को साथ ले जाते हैं। पुस्तक के पाठों को व्यवहार में लाने में आप कला के महानतम उस्तादों के मार्ग पर चलेंगे। अंत में वो भावना जो आपको एक संपूर्ण प्रलोभक बनाएगी वह आत्मा है जिसमें आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। फ्रांसीसी लेखक डेनिस डिडिरॉट ने एक बार लिखा था, मैं अपने दिमाग को पहले बुद्धिमान या मूर्ख का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्रता देता हूं। विचार जो खुद को प्रस्तुत करता है ठीक वैसे ही जैसे एवेन्यू डे फोय में हमारे लंपट युवा किसी तुरही की ऊंची एड़ी के जूते पर चलते हैं फिर उसे दूसरे का पीछा करने के लिए छोड़ देते हैं, उन सभी पर हमला करते हैं और खुद को किसी से नहीं जोड़ते हैं। मेरे विचार मेरी तुरही है, उनका मतलब था कि उन्होंने खुद को विचारों से बहकाया जो कुछ भी उनके फैंस को पसंद आया जब तक कि एक बेहतर व्यक्ति साथ नहीं आया। उनके विचार एक तरह की यौन उत्तेजना से भरे हुए थे। एक बार जब आप इन प्रश्नों में प्रवेश करते हैं तो ऐसा करें, डिटरॉट ने सलाह दी, अपने आप और कहानियों और विचारों से आकर्षित होने दें। आपका दिमाग खुला है और आपके विचार तरल हैं। धीरे धीरे आप खुद को त्वचा के माध्यम से जहर सोखते हुए पाएंगे और आप अपने सोचने के तरीके सहित और सब कुछ एक प्रलोभन के रूप में देखना शुरू कर देंगे। आप दुनिया को कैसे देखते हैं? नेटली बार्नी द्वारा कहा गया है, सबसे बड़ा सद्गुण अधिक प्रलोभन की मांग है। पार्ट वन, द सिडक्टिव कैरेक्टर। सभी में आकर्षण की शक्ति होती है, लोगों को अपनी ओर खींचने और उन्हें अपने वश में करने की क्षमता। हालांकि हम सभी इस आंतरिक क्षमता के बारे में जानते हैं और हम आकर्षण की कल्पना एक निकट रहस्यमय विशेषता के रूप में करते हैं जिसके साथ कुछ चुनिंदा लोग पैदा होते हैं और बाकी कभी भी आदेश नहीं देंगे। फिर भी हमें अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए बस ये समझने की जरूरत है कि किसी व्यक्ति के चरित्र में ऐसा क्या है जो स्वाभाविक रूप से लोगों को उत्तेजित करता है और हमारे भीतर इन अव्यक्त गुणों को विकसित करता है। सफल लालच शायद ही कभी एक स्पष्ट पैतरेबाजी या सामरिक उपकरण से शुरू होता है, ये निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। सफल प्रलोभन आपके चरित्र से शुरू होते हैं, आपकी कुछ गुणवत्ता को विकीर्ण करने की क्षमता जो लोगों को आकर्षित करती है और उनकी भावनाओं को इस तरह उत्तेजित करती है जो उनके नियंत्रण से बाहर है। आपके मोहक चरित्र से सम्मोहित, आपके पीड़ित आपके बाद के जोड़ तोड़ पर ध्यान नहीं देंगे।
फिर उन्हें गुमराह करना और बहकाना बच्चों का खेल होगा। संसार में 9 प्रलोभक प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार में एक विशेष चरित्र विशेषता होती है जो गहरे भीतर से आती है और एक मोहक खिंचाव पैदा करती है। साइरेंस में प्रचुर मात्रा में यौन ऊर्जा होती है और वो इसका उपयोग करना जानते हैं। रेक अतृप्त रूप से विपरीत लिंग को पसंद करते हैं और उनकी इच्छा संक्रामक है। आदर्श प्रेमियों में एक सौंदर्य बोध होता है जिसे वे रोमांस पर लागू करते हैं। डंडीज अपनी छवि के साथ खेलना पसंद करते हैं जिससे एक आकर्षक और उभयलिंगी आकर्षण पैदा होता है। कॉकटेस आत्मनिर्भर हैं। उनके मूल में एक आकर्षक ठंडक है। सम्मोहक चाहते हैं, वो जानते हैं कि कैसे खुश करना है। वे सामाजिक प्राणी हैं। करिश्माई लोगों का अपने आप में एक असामान्य विश्वास होता है। तारे वास्तविक होते हैं और स्वयं को रहस्य से ढक लेते हैं। इस खंड के अध्याय आपको 9 प्रकार में से प्रत्येक के अंदर ले जाएंगे। अध्यायों में कम से कम एक को राग अलापना चाहिए। आप स्वयं के एक हिस्से को पहचानेंगे। वह अध्याय आपके आकर्षण की शक्तियों को विकसित करने की कुंजी होगा। मान लीजिए कि आपके पास नकचड़ी प्रवृत्ति है। कॉकवेट अध्याय आपको दिखाएगा कि आप अपने पीड़ितों को फंसाने के लिए अपनी आत्मनिर्भरता बारी बारी से गर्मी और ठंडक का निर्माण कैसे करें। यह आपको दिखाएगा कि आप अपने प्राकृतिक गुणों को कैसे आगे ले जा सकते हैं एक भव्य कॉकवेट बनकर, जिस प्रकार से हम लड़ते हैं। मोहक गुण के साथ डरपोक होने का कोई मतलब नहीं है। हम एक बेशर्म रेक से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसकी ज्यादतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन एक आधे अधूरे रेक को कोई सम्मान नहीं मिलता। एक बार जब आप अपने प्रमुख चरित्र गुण की खेती कर लेते हैं तो प्रकृति ने आपको जो कुछ कला दी है उसमें कुछ कला जोड़कर आप अपने व्यक्तित्व में गहराई और रहस्य जोड़ते हुए एक दूसरा या तीसरा गुण विकसित कर सकते हैं। अंत में खंड का 10वां अध्याय एंटी सेड्यूसर पर आपको आपसे अवगत कराएगा। आपके भीतर सकारात्मक क्षमता विकर्षण की शक्ति है। किसी भी कीमत पर आपको किसी भी तरह की मोहक प्रवृत्ति को जड़ से खत्म करना होगा। 9 प्रकार के बारे में सोचें, जैसे छाया, सिलहूट, केवल उनमें से किसी एक में प्रवेश करके और उसे अपने अंदर विकसित होने देने से आप मोहक चरित्र विकसित करना शुरू कर सकते हैं जो आपको असीम शक्ति प्रदान करेगा। शानदार साइरन। मैं वर्ष 48 ईसा पूर्व में मिस किटालेमी 14 अपदस्त और निर्वासित करने में कामयाब रहे उनकी बहन और पत्नी रानी क्लियोपेट्रा। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की, उसकी वापसी के खिलाफ और अपने दम पर शासन करना शुरू कर दिया। उस वर्ष बाद में जूलियस सीसर यह सुनिश्चित करने के लिए अलेक्जेंड्रिया आया कि स्थानीय शक्ति संघर्षों के बावजूद मिश्र रोम के प्रति वफादार रहेगा। एक रात सीजर मिस्र के महल में अपने सेनापतियों के साथ बैठक कर रहा था, रणनीति पर चर्चा कर रहा था, जब एक गार्ड ने रिपोर्ट करने के लिए प्रवेश किया कि एक ग्रीक व्यापारी रोमन नेता के लिए एक बड़ा और मूल्यवान उपहार लेकर दरवाजे पर था। सीजर ने थोड़ी मस्ती के मूड में व्यापारी को अंदर जाने की इजाजत दे दी। वो आदमी अपने कंधों पर एक बड़ा लुढ़का हुआ कालीन लेकर आया। उसने बंडल के चारों ओर रस्सी को खोल दिया और अपनी कलाई के एक झटके के साथ इसे खोला। जवान क्लियोपेट्रा को प्रकट करते हुए, जो अंदर छिपी हुई थी और जो सीजर और उसके मेहमानों के सामने आधे कपड़े पहने हुए उठी, जैसे शुक्र लहरों से उभर रहा हो। सुंदर युवा रानी को अचानक अपने सामने प्रकट होते देख हर कोई चकाचौंध हो गया, जैसे कि एक सपने में। वे उनके साहस और नाटकीयता पर चकित थे। उसकी रक्षा के लिए केवल एक आदमी के साथ रात में बंदरगाह में तस्करी करके
एक साहसिक कदम पर सब कुछ जोखिम में डालकर सीजर से ज्यादा मुग्ध कोई नहीं था। रोमन लेखक डियो कैसियस के अनुसार क्लियोपेट्रा जीवन के चरम पर थी। उसके पास एक रमणीय आवाज थी जो सुनने वाले सभी पर जादू करने में विफल नहीं हो सकती थी। उसके व्यक्ति और उसके भाषण का ऐसा आकर्षण था कि उन्होंने सबसे ठंडे और सबसे दृढ़ नारीवादी को उसके शौचालयों में खींच लिया। सीजर की नजर पड़ते ही वह मंत्रमुग्ध हो गया और उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी शाम क्लियोपेट्रा सीजर की प्रेमिका बन गई। अपने अभियानों की कठोरता से उसे हटाने के लिए सीजर की पहले भी कई रखैली थी, लेकिन उसने हमेशा उन्हें जल्दी से निपटाया था ताकि वह वास्तव में रोमांचित हो सके। राजनीतिक साजिश, युद्ध की चुनौतियां, रोमन थिएटर, सीजर ने महिलाओं को उसे अपने वश में रखने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते देखा था, फिर भी उन्हें क्लियोपेट्रा के लिए कुछ भी तैयार नहीं हुआ। एक रात वह उसे बताएगी कि कैसे वे एक साथ सिकंदर महान की महिमा को पुनर्जीवित कर सकते हैं और दुनिया पर देवताओं की तरह शासन कर सकते हैं। अगली बार वह उसे देवी आइसिस के रूप में तैयार करेगी जो उसके दरबार की भव्यता से घिरी हुई थी। क्लियोपेट्रा ने खुद को मिस्र के विदेशी के अवतार के रूप में पेश करते हुए सबसे पतनशील रहस्योद्घाटन में सीजर की शुरुआत की। उसके साथ उसका जीवन एक निरंतर खेल था, युद्ध के रूप में चुनौतीपूर्ण। इस पल के लिए वह उसके साथ सुरक्षित महसूस करती थी। जब सीजर की हत्या कर दी गई थी 44 ईसा पूर्व में, वह मार्क एंटनी सहित शासकों की एक विजयी दल से सफल हुआ था, जो एक बहादुर सैनिक था जो आनंद और तमाशा पसंद करता था और खुद को एक प्रकार का रोमन डायोनिसस मानता था। कुछ साल बाद जब एंटनी सीरिया में था, क्लियोपेट्रा ने उसे मिस्र के टार्सस शहर में मिलने के लिए आमंत्रित किया। वहां एक बार उसने उसे उसके लिए इंतजार कराया था। उसकी उपस्थिति अपने तरीके से चौंका देने वाली थी, जैसे कि सीजर से पहले। सिडनस नदी पर बैंगनी पाल के साथ एक शानदार सोने की नाव दिखाई दी। मल्लाह ईथर संगीत की संगत के लिए पंक्तिबद्ध थे। नाव के चारों ओर सुंदर युवा लड़कियां अप्सराओं और पौराणिक आकृतियों के रूप में सजी थी। क्लियोपेट्रा डेक पर बैठी और कामदेवों से घिरी हुई थी और देवी एफ्रोडाइट के रूप में सामने आई थी, जिसका नाम भीड़ उत्साह से लेती थी। क्लियोपेट्रा के सभी पीड़ितों की तरह एंटनी ने मिश्रित भावनाओं को महसूस किया। उसके द्वारा पेश किए गए विदेशी सुखों का विरोध करना कठिन था, लेकिन वह उसे वश में भी करना चाहता था। इस गौरवशाली और प्रतिष्ठित महिला को हराना उसकी महानता साबित करेगा, और इसलिए वह रुका रहा और सीजर की तरह धीरे धीरे उसके वश में हो गया। उसने उसे उसकी सभी कमजोरियों, चूहा कर्कश पार्टियों, विस्तृत अनुष्ठानों, भव्य चश्मे में लिप्त कर दिया। उसे रोम वापस लाने के लिए रोमन विजय के एक अन्य सदस्य ऑक्टेवियस ने उसे एक पत्नी की पेशकश की। ऑक्टेवियस की अपनी बहन ऑक्टेविया, जो रोम की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी, उसके गुणों के लिए जाना जाता था। वह निश्चित रूप से एंटनी को मिश्र के वेश्या से दूर रख सकती थी। चाल ने कुछ समय के लिए काम किया, लेकिन एंटनी क्लियोपेट्रा को भूलने में असमर्थ था और 3 साल बाद वो उसके पास वापस चला गया। इस बार ये अच्छे के लिए था। वह संक्षेप में क्लियोपेट्रा का गुलाम बन गया था, उसे अपार शक्तियां प्रदान कर रहा था, मिश्र की पोशाक और रीति रिवाजों को अपना रहा था और रोम के तौर तरीकों का त्याग कर रहा था। क्लियोपेट्रा की केवल एक छवि बची है, एक सिक्के पर मुश्किल से दिखाई देने वाली प्रोफाइल, लेकिन हमारे पास कई लिखित विवरण हैं। उसका लंबा पतला चेहरा और कुछ नुकीली नाक थी। उसकी प्रमुख विशेषताएं उसकी आश्चर्यजनक
रूप से बड़ी आंखें थी, हालांकि उसकी मोहक शक्ति उसके रूप में नहीं थी। वास्तव में अलेक्जेंड्रिया की कई महिलाओं को उससे अधिक सुंदर माना जाता था। अन्य सभी महिलाओं से ऊपर उनके पास जो था वह एक पुरुष को विचलित करने की क्षमता थी। वास्तव में क्लियोपेट्रा शारीरिक रूप से असाधारण थी और उसके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी। फिर भी सीजर और एंटनी दोनों बहादुर और चतुर पुरुषों ने इसमें से कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने जो देखा वह एक ऐसी महिला थी जिसने लगातार खुद को उनकी आंखों के सामने रूपांतरित किया। एक महिला तमाशा, उसका पहनावा और श्रृंगार दिन ब दिन बदलता रहता था, लेकिन हमेशा उसे एक ऊंचा देवी जैसा रूप देता था। उसकी आवाज जिसके बारे में सभी लेखक बात करते हैं सुरीली और नशीली थी। उसके शब्द बहुत सामान्य हो सकते थे लेकिन इतने मधुर ढंग से बोले जाते थे कि श्रोताओं को ये याद नहीं रहता कि उसने क्या कहा बल्कि उसने कैसे कहा। क्लियोपेट्रा ने निरंतर विविधता प्रदान की। श्रद्धांजलि, नकली युद्ध, अभियान, पोशाक, पहने तांडव, सब कुछ नाटक का स्पर्श था और बड़ी ऊर्जा के साथ पूरा किया जाता था। जब तक आपका सिर उसके बगल में तकिए पर पड़ा तब तक आपका दिमाग छवियों और सपनों के साथ घूम रहा था और जब आपको लगा कि आपके पास यह तरल पदार्थ है जीवन से बड़ी महिला तो वह दूर हो जाएगी या क्रोधित हो जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सब कुछ उसकी शर्तों पर था। आपने क्लियोपेट्रा को कभी आबाद नहीं किया, आपने उसकी पूजा की। इस तरह एक महिला जिसे निर्वासित किया गया था और एक प्रारंभिक मृत्यु के लिए नियत किया गया था, वह इसे चारों ओर घुमाने और लगभग 20 वर्षों तक मिस्र पर शासन करने में कामयाब रही। क्लियोपेट्रा से हम सीखते हैं कि ये सुंदरता नहीं है जो एक जलपरी बनाती है बल्कि एक नाटकीय लकीर है जो एक महिला को एक पुरुष की कल्पनाओं को मूर्त रूप देने की अनुमति देती है। पुरुष स्त्री से ऊब जाता है, चाहे वह कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह अलग अलग सुखों और रोमांच के लिए तरसता है। एक महिला को इसे बदलने की जरूरत है ताकि यह भ्रम पैदा किया जा सके कि वह इस तरह की विविधता और रोमांच प्रदान करती है। दिखावे से आदमी आसानी से धोखा खा जाता है, उसके पास दृश्य के लिए एक कमजोरी है। एक जलपरी की भौतिक उपस्थिति बनाए और वह फंस गया है। वह आपसे ऊब नहीं सकता, फिर भी वह आपको त्याग नहीं सकता। विकर्षणों को बनाए रखें और उसे कभी भी ये देखने ना दें कि आप वास्तव में कौन हैं। वह डूबने तक आपका पीछा करेगा।